1980 में दो घटनाएं आपको बताने के लिए बहुत जरूरी है, कैसे जगन्नाथ पाड़िया चीफ मिनिस्टर बने और कैसे चीफ मिनिस्टर के पद से हटे। एक साल में, एक साल चीफ मिनिस्टर थे जगन्नाथ पाड़िया, और उनको क्यों हटाया गया इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद शिवचरण माथुर चीफ मिनिस्टर बने, उनको भी क्यों हटाया गया, वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटनाक्रम है राजस्थान की पत्रकारिता, राजस्थान की प्रजातंत्र के इतिहास का, लोकतंत्र के इतिहास का। मैं वो व्यक्ति हूँ जो मैं छात्र जीवन में एक कॉलेज का अध्यक्ष हुआ करता अजमेर में, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर का, और मुझे चुनाव के 3 महीने पहले पता लग गया था कि जगन्नाथ पाड़िया चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। केसी चंद चौधरी राजनीतिक बड़े प्रखंड जानकार हुआ करते थे अजमेर के, मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना तो उन्होंने मुझे कहा कि जगन्नाथ पाड़िया ट्रेन से निकल रहे हैं, इनको बुला लो छात्र संघ के उद्घाटन में, और इसलिए कि ये होने वाले चीफ मिनिस्टर हैं। तब वो केंद्रीय मंत्री थे जगन्नाथ पाड़िया इंदिरा गांधी की सरकार में, राज्य मंत्री। और इतनी बड़ी जानकारी के बाद मैं रात को जाकर ट्रेन में जगन्नाथ पाड़िया और शांति पाड़िया उनकी पत्नी जो कि बाद में सांसद भी रहीं, उनसे मिला, उनको इनवाइट किया और छात्र संघ के उद्घाटन समारोह मेरे आए थे, वो अलग कहानी है। लेकिन जगन्नाथ पाड़िया को संजय गांधी का वरद हस्त प्राप्त था, संजय गांधी की पहली चॉइस जगन्नाथ पाड़िया थे, संजय गांधी ने डिक्टेट करके जगन्नाथ पाड़िया को 1980 में चीफ मिनिस्टर बनवा दिया। अब मैं आपको इतिहास का वो पन्ना याद दिला रहा हूँ, खोल तो नहीं रहा मैं, याद दिला रहा हूँ, बहुत सारी नई पीढ़ी के लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन कितने बड़े मापदंड थे नैतिकता के, ये देखकर हम हैरान रह जाएंगे कि जगन्नाथ पाड़िया बतौर चीफ मिनिस्टर एक समारोह में शामिल हुए रविंद्र रंगमंच में, जिसमें महादेवी वर्मा अध्यक्षता कर रही थी, मुख्य अतिथि जगन्नाथ पाड़िया थे चीफ मिनिस्टर, और महादेवी वर्मा देश की ने दुनिया की हिंदी की महानतम लेखिका साहित्यकार, और क्या क्या साहित्य उन्होंने रचा है, कितना सम्मान महादेवी वर्मा का उस जमाने में था, पुराने लोगों को पता है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो जगन्नाथ पाड़िया ने अपने भाषण में कहा कि महादेवी जी, इशारा करके उनकी तरफ, आप जो कविताएं लिखती हैं वो मेरे समझ से बाहर है, न मैं कल समझता था न आज समझता हूँ, और हमारी जनता जो हमें वोट देती है वो भी उसको नहीं समझती है, आप तो खुद ही लिखती हैं खुद ही समझती हैं, ऐसा कुछ बोल दिया, एग्जैक्ट शब्द मुझे याद नहीं है, ये 2-3 सेंटेंस बोले उन्होंने। और आप सोचिए कि एक साहित्यकार का और महिला का अपमान करना इतना भारी पड़ा, इंदिरा गांधी को टेप सुनाया गया और इंदिरा गांधी ने तुरंत इस्तीफा मांग लिया, महादेवी वर्मा का अपमान, देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना, महिला और साहित्यकार, इंदिरा गांधी ने जगन्नाथ पाड़िया को इस्तीफा देने को कहा, जबकि जगन्नाथ पाड़िया के स्तर पर संजय गांधी का हाथ था, संजय गांधी यानी इंदिरा गांधी के बेटे, और प्रैक्टिकली वो डिक्टेट कर रहे थे सरकार को इंदिरा गांधी की वापसी, लेकिन वो उनका इंदिरा गांधी ने कहा नथिंग डूइंग, इस्तीफा दीजिए। एक साहित्यकार के अपमान पर, महिला के अपमान पर एक चीफ मिनिस्टर की चीफ मिनिस्टरी चली गई। अब तो किसका कितना भी अपमान हो जाए उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, आज रेलेवेंट नहीं है, नारी के सम्मान की क्या मायने हैं और क्या कीमत है और क्या चीफ मिनिस्टर किस तरह बोल रहे हैं और किस तरह व्यवहार कर रहे हैं हम देख रहे हैं, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर ने बोला, इंदिरा गांधी इस्तीफा ले लिया। दूसरी